नमस्कार दोस्तों, आज अपन राजस्थान का मिक्स वेज वाला चूरमा बनाते हैं। इसमें मैंने 3 आटे लिए हैं, गेहूं, सूजी और बेसन। इसमें थोड़ा फूड कलर मिलाया है और घी गरम करके घी का मोयन देते हैं। देखिए, घी का अपन ने मोयन डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरा आटे में घी आ जाए ऐसा मिक्स करेंगे। इस मिक्स आटे को अपन दूध से गूंथ लेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा गूंथना है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा ढीला। देखिए, इतना ही टाइट रखना है इसको, ज्यादा ढीला नहीं करना है। और अच्छे से मसल मसल के गूंथ लेंगे। उसके बाद थोड़ा घी डाल देंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसको एक बर्तन में कपड़े, गीले कपड़े से कवर करके 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट बाद देखिए, अपन इसको खोल के देखते हैं। देखिए, आटा कितना सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है आटा। अब इसको अपन एक बार और मैश कर लेंगे अच्छे से। इसकी आटे की अपन छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। देखिए, ज्यादा बड़ी नहीं करनी है, मीडियम साइज की रखनी है। जैसे दिखाई दे रही है, मीडियम साइज की। बड़ी रखेंगे तो वो कच्ची रह जाएंगी। अपन इसको फ्राई करेंगे घी में। अब इसका शेप देना है अपने को, तलने के लिए इसको अपन शेप देंगे। देखिए कैसे शेप देना है। हाथ में लेना है, फिंगर अंदर डाल के इसकी मुट्ठी बनानी है। इसका नाम है मुठिया वाले चूरमा है। ये मुठिया बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। एक बार अपन सारी मुठिया तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखिए, अपनी सारी मुठिया बन के तैयार हो चुकी है। अब अपन कढ़ाई में घी डालेंगे। देखिए, कढ़ाई में घी डाल दिया है। एक बार घी मेल्ट हो जाए, घी गरम हो रहा है अपना। अब अपन इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। एक एक करके धीरे धीरे इसमें डालेंगे और जितनी जगह होगी उतनी ही डालेंगे। इसको हिलाने के लिए जगह रखेंगे। देखिए, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलना है मीडियम आंच पर। देखिए, अपनी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अच्छे से सेक लेंगे, ज्यादा करारी नहीं हो जाए और कच्ची नहीं रह जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और धीरे धीरे हिलाते हुए इसको अपन सेक लेंगे। देखिए, अब सिक चुकी है। अब इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। बहुत गर्म है, तोड़ के देख रहे हैं। अच्छी है, अच्छी सिक चुकी है। अब इसको सबको अपन तोड़ के तोड़ लेते हैं। देखिए, अपन ने इसको तोड़ के चूरा कर लिया है। अब इसको मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। ये देखिए, कितना फाइन चूरा बन के अपना तैयार हो गया है। अब इसका समान आकार का हो, इसके लिए अपन इसको छान लेते हैं कि मोटे दाने नहीं आएंगे। अब एक नई कढ़ाई लेंगे, उसमें घी गरम करेंगे और इस चूरे को एक बार सेक लेंगे। थोड़ा सा सेक लेते हैं कि अगर ये कहीं से कुछ हो तो सेम फ्लेवर आ जाए इसमें। अब इसमें अपन किशमिश डाली है, इलायची डाली है और बूरा डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक बार और अपन घी गरम करते हैं। ये 150 ग्राम घी लिया है और इस चूरमे के अंदर अपन इस गरम गरम घी को डाल लेते हैं और खोपरा कस के इसमें डाल लेते हैं। और ये देखिए, अपन लड्डू बना लेते हैं। कितने सुंदर, कितने टेस्टी लड्डू दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए, दोनों हाथों को मिलाना और गोल गोल घुमाना, ये अपने लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। है ना, बहुत मजेदार रेसिपी, बहुत इजी और इंस्टेंट रेसिपी। आप इसको बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को